नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, ये डबल बेयरिंग असेंबली है। इस असेंबली को हम बनाएंगे क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर। इसे बनाने के लिए हमने चार पार्ट्स बनाए हैं। नीचे जो नज़र आ रहा है ये है बेस, इसके ऊपर जो लगा है ये है कैप, और इन दोनों के बीच में जो ये दो पार्ट्स लगे हैं ये बुशेज़ हैं, और इसको टाइटनिंग के लिए हमने जो है बोल्ट बनाए हैं। तो इन सबको बनाने के बाद हम इसे असेंबल करते हैं। तो पहले तो मैं इसके ये जो डिस्प्ले हैं इन्हें ऑन कर देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है उनमें ये सारे डिस्प्लेज जो होते हैं वो ऑन होते हैं। मैं यहाँ से अब इस फाइल को क्लोज़ कर रहा हूँ। अब एक नई फाइल ओपन करनी है। ये दोस्तों ये पहली स्क्रीन है, जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आती है। यहाँ से नई फाइल को ओपन करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे, ये चेक मार्क हटाएंगे, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे MMNS पार्ट सॉलिड, देखिए ये रहा, ओके पर क्लिक किया। अब एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब स्केच बनाते हैं। देखिए स्केच पर क्लिक किया मैंने, ये फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया, फिर स्केच पर क्लिक किया, यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब देखिए इस तरह से ये प्लेन हमारे सामने आ गया। अब लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक ऐसे और एक क्लिक राइट हैंड साइड पे, एस्केप दबाया। जब ये डायमेंशन हमें दिखने लगेंगी तो हम यहाँ से इन्हें अब सेटल कर लेंगे पहले ही। तो इसे हमने ले लिया 25 और इस डायमेंशन को हमने ले लिया 20, ओके। अब यहाँ से लेंगे हम आर्क, थ्री पॉइंट आर्क, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, एक क्लिक, सॉरी यहाँ से अभी आर्क एक्टिव नहीं हुई, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, एक क्लिक यहाँ बिल्कुल ठीक इसके सामने, और जब ये सेंटर, देखिए इस तरह से ये परपेंडिकुलर का ऑप्शन आएगा तो यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद लाइन पर जाएंगे दोबारा और एक क्लिक इधर, एक क्लिक राइट हैंड पर, फिर नीचे राइट हैंड, फिर नीचे, फिर राइट हैंड, और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकला है। अब इन डायमेंशंस को हमें सेटल करना है। ये हो जाएगा R15 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, फिर इसे भी हम 20 कर देंगे, ये हो जाएगा 45। डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल को पुश किया, ये 20 आ रहा है। ये इक्वल लेंथ को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से इसे ले लेंगे हम 30, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ एंगल पर, और एक क्लिक ऐसे हमने यहाँ तक जोड़ दिया, एस्केप दबाया। अब डायमेंशंस जब नज़र आने लगेंगी तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हमें करना है कितना, 10, और डायमेंशंस पर गए। अब इस पॉइंट पर क्लिक किया और स्क्रॉल को पुश किया, ये डिस्टेंस नज़र आने लगा, इसे भी हम 10 कर देंगे। और यहाँ से अब एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाएंगे, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक नीचे, एस्केप दबाया। यहाँ से अब ये देखिए विंडो बनाई एक, और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, मिरर पर क्लिक किया और उसके बाद सेंटर लाइन पर क्लिक किया, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। यहाँ से अब ओके पर क्लिक करते हैं हम, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ही बनेगा। अब यहाँ से एक्सट्रूड और प्लेसमेंट, ये देखिए यहाँ से ये सेकेंड वाला ऑप्शन लेंगे हम। अब 60 ले लिया, यहाँ पर ये जो 60 है, ये जो डिस्टेंस है ये प्लेन के दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ओके पर क्लिक करते हैं। अब इसके आगे की प्रोफाइल हमें बनानी होगी, स्केच पर क्लिक किया, इस फेस पर क्लिक किया हमने, अब स्केच, स्केच व्यू, यहाँ से प्रोजेक्ट, एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ, इस तरह से देखिए ये हमने ये पूरा जो ये प्रोफाइल है इसे प्रोजेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्कल कमांड लेंगे, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर। देखिए अब ये इक्वल का ऑप्शन आ गया है और इससे पहले वाला सर्कल हमें ग्रीन कलर से शो हो रहा है, यानी कि ये दोनों का डायमीटर सेम है यहाँ पर, तो हमने यहीं क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया। अब हम एक का डायमीटर, इसका डायमीटर अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, तो ये ले लिया 50, ये देखिए दोनों चेंज हो गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आए, क्लिक किया और यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे और ये कनेक्ट कर देंगे इस लाइन को, एस्केप दबाया, और ये जो डिस्टेंस शो हो रहा है इसे कर देंगे 15।
अब एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन लिया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक नीचे। देखिए अब बनी है ये। अब मिरर, एक दो और तीन, ये तीनों को सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल की प्रेस किया हुआ था, मिरर, और एक क्लिक यहाँ पर, और इसके बाद डिलीट सेगमेंट। अब हम ट्रिमिंग शुरू करते हैं। तो ट्रिम करने के लिए देखिए, ये पोर्शन ट्रिम हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी ये ट्रिम हो गया। ओके, अब देखिए ये ट्रिम हो जाएगा। अब ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ओके पर क्लिक किया, एक्सट्रूड। अगर ये प्रोफाइल सही बनी होगी तो एक्सट्रूड अपने आप एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। यहाँ से लिया 10 और ओके। कभी कभार प्रोफाइल जो है वो उसमें कहीं कुछ रह जाता है, तो उसकी वजह से एक्सट्रूड एक्टिवेट नहीं होता जब हम क्लिक करते हैं। तो ये आगे हमने ये प्रोजेक्टेड पोर्शन बढ़ा लिया। अब इसी को हम पीछे मिरर कर लेंगे। तो यहाँ से अब यूज़ करेंगे 3D मिरर। तो ये एक्सट्रूड 2, ये नेविगेशन एरिया है, जो यहाँ से हमने एक्सट्रूड 2 ले लिया और मिरर पर क्लिक किया, और यहाँ से ये प्लेन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ से इस तरह से देखने लगा। अब हमें इसमें होल बनाने हैं। तो होल बनाने के लिए स्केच, ये ऊपर वाला सरफेस सेलेक्ट किया, स्केच पर क्लिक किया, और यहाँ से अब स्केच व्यू। अब सर्कल बनाते हैं हम। देखिए सर्कल पर क्लिक किया, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 10 mm का। एक क्लिक यहाँ कर दिया, एस्केप दबाया, और अब देखिए कोई एज कहीं का रेफरेंस नहीं लेना हमें, बस जहाँ पे रेफरेंस आए वहाँ से हट जाइए। सेंटर हमें वहाँ लेना है जहाँ पे कहीं रेफरेंस ना आ रहा हो। एक क्लिक इधर किया, एक क्लिक आगे। अब देखिए ये इक्वल का साइन आ गया है, और दूसरा वाला सर्कल हमें ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। अब हम एक को अगर एडिट करेंगे तो दूसरा अपने आप एडिट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डायमीटर, लोकेशन नहीं। फिर से जाएंगे सर्कल पर, ये देखिए यहाँ क्लिक किया, ये इक्वल आया। ओके, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ड्रैग करके हम ऊपर लेकर आए डायमेंशन को, और ये इसका डायमीटर नज़र आ रहा है, और ये डायमेंशन हमें इधर से दिखाई दे रही है, मतलब ये रेफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम डायमेंशन पर जाएंगे, एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक ये प्लेन पर करेंगे बीच वाले, और स्क्रॉल को पुश करेंगे तो ये डिस्टेंस दिखाई देगा। तो ये हमें करना है 30। ओके, ये डायमीटर हो जाएगा 10 mm, और ये देखिए बाकी सब भी अपने आप चेंज हो गए। इसे हमने कर लिया यहाँ से 60, ये भी 60 कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से जो इसकी लोकेशन है, ये वाला जो डायमेंशन है, इसे हमें करना है 15, और ये इसे भी करना है 15। ओके, तो अब ये सही जगह पर बैठ गए अपने। अब सेंटर लाइन ले ली हमने, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे। एक क्लिक उधर किया, एक क्लिक यहाँ पर, एस्केप दबाया, सेंटर लाइन बन गई है। अब मिरर करने के लिए हमने इन विंडो बना के इन तीनों सर्कल्स को सेलेक्ट किया, मिरर पर क्लिक किया, और ये सेंटर लाइन पर क्लिक किया, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो देखिए ये 6 सर्कल बन गए यहाँ पर। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से नज़र आएगा। ये फ्लिप है, ये देखिए फ्लिप, डायरेक्शन चेंज हो गया। और यहाँ से हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 30, और ओके पर क्लिक कर दिया हमने। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नज़र आएगा। अब हमें इसके सारे कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो यहाँ से एक ऑटो राउंड का ऑप्शन होता है, ये सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू यहाँ पर दे देंगे 1 mm, एंटर प्रेस करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं वो धीरे धीरे, देखिए साइड में ये प्ले हो रहा है, जितने भी इसमें कॉर्नर्स आपको भी शो हो रहे हैं सब 1 mm पर फिलेट हो जाएंगे। ये देखिए सारे कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए यहाँ पर। ओके, अब इसकी अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। व्यू पर क्लिक किया, यहाँ से ये मॉडल को सेलेक्ट किया, अपीयरेंस, और ये थोड़ी सी डार्क वाली अपीयरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, ये रही। ओके, अब इसे सेव कर लेते हैं हम बेस के नाम से, सेव एज, सेव अ कॉपी, डेस्कटॉप यहाँ पर लेंगे हम बेस 1, और ओके। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हमने बनाकर सेव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ। फाइल पर जाकर क्लोज पर क्लिक किया, ये फाइल क्लोज हो गई। नई फाइल ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक करके वही प्रोसीजर दोहराते हुए, MMNS पार्ट सॉलिड, ये रहा। ओके, नई फाइल ओपन हो गई। यहाँ से अब स्केच पर क्लिक करेंगे, ये रहा फ्रंट प्लेन और स्केच, उसके बाद स्केच व्यू,
ऐसे इस ओरिएंटेशन में घूमकर हमारे सामने आ जाता है। रेक्टेंगल में हम जाएंगे, सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, ये करेंगे 140 और ये डायमेंशन हो जाएगी आपकी 25। जूम इन किया, अब सर्कल पर क्लिक किया, एक क्लिक लाइन पर, एक क्लिक बाहर और एक क्लिक लाइन पर और एक क्लिक, ये देखिए जैसे ये लेकर आते हैं हम, ये देखिए सर्कल ग्रीन हो गया और इधर इक्वल का सिंबल शो होने लगा। अब यहीं क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये देखिए ये डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, इन दोनों को तो हमने करना है 35। यहाँ से ये 35 हो गया और ये इधर 35 हो गया और इधर से इसे कर दिया हमने 30। तो इस तरह से नज़र आएगा। डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया, यहाँ से डिलीट करने पर आए तो ये देखिए ये पोर्शन पूरा डिलीट हो जाएगा, ये बीच की लाइन इस तरह से डिलीट हो जाएगी। और ओके, ये स्केच हमारा बन गया। यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया और ये ले लिया 60। ओके पर क्लिक किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रोफाइल बनाते हैं। स्केच पर गए, ये फेस है इस पर क्लिक किया हमने, फिर स्केच पर क्लिक किया और स्केच व्यू। अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में ये ऊपर वाली लाइन 1, 2, 3, 4 और 5 क्लोज। इसके बाद सर्कल पर आएंगे, ये सेंटर पर क्लिक करेंगे और एक क्लिक ये इस तरह से, ये देख रहे हैं बिल्कुल टेंजेंट। अगर मेजरमेंट लें तो ये 50 mm का होगा डायमीटर इसका। अब यहाँ से डिलीट सेगमेंट पर आते हैं, ये देखिए ये इस तरह से ये हम डिलीट करते हुए जाएंगे। ये अब बीच का ये पोर्शन भी डिलीट होगा इस तरह से। ये प्रोफाइल हमारी तैयार हो जाती है। यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड, यहाँ से ये ले लिया हमने 10 mm, ये प्रोजेक्टेड पोर्शन बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, अब इसे मिरर करना है दूसरे एंड पर, तो यहाँ से एक्सट्रूड टूल लिया नेविगेशन एरिया से, मिरर पर क्लिक किया और ये प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, तो ये हम इस तरह दिखाई देने लगा। अब सेम वैसे ही हमें होल बनाने हैं, स्केच ऊपर वाला फेस, स्केच स्केच व्यू, यहाँ से सर्कल, एस्केप, पहले तो डायमीटर सबका सेम कर लें। ये देखिए एक ही जगह पर हम वैल्यू देंगे, वो सबका अपने आप चेंज हो जाएगा। अब ये डायमेंशन यहाँ नज़र आ रही है, ये इधर नज़र आ रही है और ये ऐसे नज़र आ रही है। ओके, चलिए अब यहाँ से हमें करना क्या है, इसको तो पहले हम 60 कर देते हैं, ये भी 60 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से डायमेंशन, इस पॉइंट से इस प्लेन पर क्लिक किया, इस पॉइंट पर क्लिक किया, फिर इस प्लेन पर किया। अब यहाँ पर हमने स्क्रॉल को पुश किया तो देखिए डिस्टेंस आने लगा, इसे कर देंगे हम 30। इसी तरह से इस, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे किया तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है, इसे कर दिया हमने 15 और डायमेंशन एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक यहाँ इस सेंटर लाइन पर और स्क्रॉल को पुश किया 15। ओके, तो ये यहाँ से अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। तो अब इन्हें, इन तीन सर्कल को हम दूसरे साइड पर जो है मिरर कर लेते हैं। तो सेंटर लाइन एक बनानी होगी, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, ये एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बन गई। विंडो बनाकर इन तीनों सर्कल्स को सेलेक्ट किया, मिरर, फिर मिरर लाइन पर क्लिक किया हमने, ये सेंटर लाइन पर ये मिरर हो गए और ओके करके कमांड से, मतलब स्केच से बाहर निकला। ये देखिए स्केच आपको इस तरह नज़र आ रहा है। एक्सट्रूड, अब यहाँ से फ्लिप, रिमूव मटेरियल ऑन हो गया। ये इसमें हमें थ्रू ऑल यूज़ करना, मतलब हम आर पार, ये हमें होल चाहिए। तो वैल्यू 100 दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ऑटो राउंड यूज़ करेंगे एक बार फिर से,
वैल्यू वही रहेगी 1 mm, बस ओके पर क्लिक करना है, जितने भी कॉर्नर्स हैं इसमें वो अपने आप राउंड हो जाएंगे। ओके, इस तरह से हमें अब नज़र आएगा। अब यहाँ से हम इसे पहले इसके अपीयरेंस चेंज करें और उसके बाद यहाँ से सेव एज, सेव अ कॉपी, यहाँ से हमने ले लिया कैप 1 और ओके। तो ये कंपोनेंट भी हमारा सेव हो गया। अब हम बनाएंगे बुश, तो यहाँ से फाइल को क्लोज़ किया मैंने, न्यू, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ओके, MMNS पार्ट सॉलिड, ओके। अब स्केच ये ले लिया मैंने, राइट प्लेन स्केच और स्केच व्यू। यहाँ से अब हम प्रोफाइल बनाते हैं, पहले तो एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन लेंगे हम। अब प्रोफाइल जो बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए यहाँ से लिया लाइन, एस्केप दबाया। अब देखिए डायमेंशन हमें नज़र आ रही है, यहाँ से अब इन्हें हम चेंज करते हैं। तो पहले तो यहाँ से लिया ये डायमेंशन और इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 67.83 दिखा रहा है, ये हम ले लेते हैं 15। और इस लाइन और सॉरी एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेकर गए इस तरह से। अब ये डिस्टेंस हमें चेंज करना है, डायमेंशन पर गए, इस लाइन और ये सेंटर लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमें लेना है 11। ओके, अब डायमेंशन पर ही हम इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें लेना है 20। और इसके बाद ये लाइन जो है इस पर क्लिक किया और स्क्रॉल को पुश किया, इसे करना है 10। इसको भी डिलीट करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं हम कितना 80 और 10, इन्हें हमें चेंज करना होगा। पहले ये जो डायमेंशन हमें नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 90 और डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन होगी स्क्रॉल को पुश किया ये हो जाएगी 45। तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, देखिए बीच में आ गया। अब यहाँ से ये 11 है और इधर से ये डायमेंशन जो है ये 15 है, इसको ड्रैग करके साइड में ये इस तरह से लेकर आते हैं। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये इक्वल लेंथ दिखा रहा है एक्चुअली, ये लिया यहाँ से इसको हटा दिए, से पहले ले लिया 10। अब यहाँ से हम और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 25 शो हो रहा है, यहाँ से अब हम इक्वल लेंथ ये जो है डिलीट कर देते हैं, अब इसे 20 ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये होने लगेगा शो। तो ये प्रोफाइल हमें चाहिए थी, यहाँ से अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे रिवॉल्व, देखिए रिवॉल्व होकर ये बुश बन गया इस तरह से, ओके पर क्लिक किया। अब लेते हैं चैम्फर, चैम्फर हम लेंगे 1 mm का, एक टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये एज और इस एज को हमने सॉरी कैंसिल, यस, फिर से गए चैम्फर में, 1 mm वैल्यू यहाँ रखी हुई है, एक इस एज पर क्लिक किया और एक इस एज पर क्लिक किया, यहाँ से ओके। अब इसका भी हम अपीयरेंस चेंज करते हैं, व्यू पर जाएंगे, पार्ट अपीयरेंस ये ले लिया हमने ब्रास, सेव एज, ये हो जाएगा बुश 1, ओके, ये भी सेव हो गया। अब अगला पार्ट जो है वो हमारा है
बोल्ट का, तो यहाँ से न्यू पर क्लिक किया, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ओके, एम एम एन एस पार्ट सॉलिड ये लिया, ओके पर क्लिक किया, यहाँ से स्केच और ये प्लेन लिया, स्केच और टॉप प्लेन लिया है हमने इसमें। अब यहाँ से हम लेंगे पैलेट और प्रोफाइल, ये पॉलीगन्स में ही गए, यहाँ से ड्रैग करके उठाएंगे सिक्स साइडेड हेक्सागन और यहाँ साइड में से रख देंगे और क्लोज कर देंगे इसे, ओके पर क्लिक करेंगे, ये सेंटर जो है ये ज़ीरो कर देंगे और फिर जाएंगे डायमेंशन में, ये सेंटर और ये जो ओवरऑल सेंटर है इसको सेलेक्ट करा हमने, ये जो प्लेन का रेफरेंस था, और स्क्रॉल को पुश किया, ये भी ज़ीरो कर दिया, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। देखिए अब यहाँ से इस लाइन और इस लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल को इधर पुश किया, ये ध्यान रहे हम डायमेंशन में हो तभी ये करना हमें। यहाँ से हमने ये 62.92 जो शो कर रहा था इसे डिलीट कर दिया, इसे कर देंगे हम 14, तो ये पॉलीगन हमारा बन जाएगा। ओके पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर क्लिक किया, कंट्रोल डी, इस तरह से देखिए नज़र आएगा हमें। अब यहाँ से इसे ले लेंगे 8, ओके पर क्लिक किया, स्केच अब सर्कल एस्केप दबाया, ये हो गया 10, सॉरी ओके। यहाँ से अब हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब इसे ले लेते हैं हम कितना 50, और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद चैम्फर 1 mm की वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ पे, ये देखिए ये चैम्फर हो गया, ओके। अब इस पर हमें थ्रेड बनाना है, थ्रेड बनाने के लिए हम हेलिकल स्वीप पर जाएंगे, रेफरेंस डिफाइन, कोई भी खड़ा हुआ प्लेन ले लिया, स्केच स्केच व्यू, यहाँ से रेफरेंस के लिए इस पर क्लिक किया, ये रेफरेंस हो गया हमारा क्लोज, एक बार फिर से रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रेफरेंस के लिए ये हाईलाइट नहीं हो रही है लाइन, तो चलिए हम बगैर रेफरेंस का ही काम करते हैं। यहाँ पर हमने लिया लाइन, एक क्लिक हम यहाँ करते हैं, बाहर से लेकर आएंगे इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये देखिए ट्रैक करते हुए गए और यहाँ तक लेकर आते हैं, एस्केप दबाया, ये डिस्टेंस हमने कर दिया 2 mm, ओके। ये डायरेक्शन जो है इस तरफ ही होना चाहिए क्योंकि इसी तरफ से थ्रेड बनता है। और अब हम एक सेंटर लाइन प्लेस करेंगे, एक क्लिक इधर एक क्लिक ऐसे, बगैर सेंटर लाइन के कमांड आगे नहीं बढ़ेगी, ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से ये देखिए ये स्केच पर गए और स्केच व्यू पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर इस जगह पर स्केच बनना है, ये जहाँ दो सेंटर लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ से लाइन, अब देखिए किस तरह से बनेगा, ये एक क्लिक ऐसे एक क्लिक ऊपर, ये ट्रायंगुलर प्रोफाइल बनाएंगे हम। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको हमने कर दिया 1 mm और डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमने दे दिया 29, कंट्रोल। अब यहाँ से हमें एक तो इसका जो मिड पॉइंट है ये एंगल हमें चेंज करना होगा, ये हम इस तरह से यहाँ लेकर आएंगे और लाइन पर क्लिक किया, ये है मिड पॉइंट और इसको ये देखिए ये यहाँ से लेकर आए और इस पर क्लिक किया, ये हो गया। अब ये लाइन को सेलेक्ट किया, इसे हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही है, सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया इसे,
यहाँ से पहले तो डिलीट सेगमेंट एलिया 1 mm और अब इसका एंगल सेट करेंगे, डायमेंशन एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, ये ले लिया हमने 29 डिवाइडेड बाय 2, ये काफ़ी डीप में जा रहा है। कंट्रोल जेड, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम यहीं से। अब डिलीट सेगमेंट, अब यहाँ से राउंड लेना होगा हमें, ये फिलेट 0.06.1 कर दिया हमने, और ओके। तो ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड बनते हुए जा रही है। रिमूव मटेरियल पर क्लिक किया, पिच की वैल्यू हमने दे दी 2 mm, ये देखिए इस तरह से हमें ये थ्रेड नज़र आएगा, और ओके कर दिया। ये देखिए हमें इस तरह से ये बोल्ट नज़र आएगा। इसको भी जो है हम इसका अपीयरेंस चेंज कर देते हैं, व्यू पार्ट सॉरी ये अपीयरेंस, इसको कॉपर में ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। इसके बाद अब इसे सेव कर देते हैं यहाँ पर, सेव एज, सेव अ कॉपी, बोल्ट 1, ओके। अब यहाँ से मैं फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ। अब हम असेंबली करेंगे, यहाँ से न्यू पर क्लिक किया और असेंबली पर क्लिक किया, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर क्लिक किया, ओके। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे MMNS ASM डिज़ाइन, ये देखिए, ओके। अब यहाँ से असेंबल, पहले लेकर आएंगे हम बेस, ओपन, ये ऑप्शन यहाँ पर लेंगे हम डिफ़ॉल्ट का। देखिए जैसे डिफ़ॉल्ट लेंगे ये फुली कंस्ट्रेन हो जाएगा, ओके पर क्लिक किया, असेंबल। इसके बाद हम लेकर आएंगे बुश, ओपन। अब यहाँ से ये इसको घुमा के इसको इस तरीके से सेट किया हमने। अब एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इसके ऊपर, ये देखिए ये इन दोनों के एक्सिस मैच कर गए। अब हम क्या करेंगे, ये सरफेस और ये सरफेस, ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट भी फुली कंस्ट्रेन हो गया, ओके। अब इसे रिपीट कर लेते हैं, पहले यहाँ से बुश पर क्लिक किया, ये देखिए ये रिपीट ऑन हो गया। अब इसके बाद यहाँ से कोइंसिडेंट ये सेलेक्ट किया, ऐड किया और कैंसिल, यहाँ से बुश पर दोबारा क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया और ये रिपीट हो गया यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे कैप रखेंगे हम, असेंबल, यहाँ से लिया हमने कैप, ओपन, इसे यहाँ से ड्रैग करके ऊपर लेकर आएंगे और ऐसे। अब इसके आगे ये देखिए इस तरह से हुआ। अब यहाँ से हम फ्लिप का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे फ्लिप यहाँ काम नहीं कर रहा, तो मैंने कंट्रोल जेड, हम इसे दोबारा करेंगे एक बार फिर से, दो बार कंट्रोल जेड किया। अब देखिए इसको लेकर कैसे आते हैं, यहाँ से पहले तो ये प्लेन बीच वाला लिया, फिर ये बीच वाला प्लेन लिया, ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया इसके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सरफेस और
ये सरफेस, इन्हें भी हमने कंसाइड कर लिया, कोइंसिडेंट हो गई ये भी। अब इसके बाद हमें एक ये सरफेस और एक ये सरफेस लेना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आ रहा है इसे भी हम कॉन्सिडेंट यानी ज़ीरो कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट भी फुली कंस्ट्रेन हो गया। ओके पर क्लिक किया, ये देखिए इस पर कैप जो है बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया। अब अगला कंपोनेंट है बोल्ट, ये देखिए बोल्ट पर क्लिक किया, ओपन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए पहला क्लिक इस फेस पर और दूसरा क्लिक ये फेस पर, ये लेवल पर आ गया बिल्कुल, यहाँ कोइंसिडेंट होना चाहिए। अब ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों के बीच में डिस्टेंस शो हो रहा है, इसे कोइंसिडेंट कर देंगे। देखिए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। ओके पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट फुली कंस्ट्रेन हो गया यहाँ पर। ओके अब बोल्ट वन पर क्लिक किया, रिपीट पर क्लिक किया, कोइंसिडेंट पर क्लिक किया, ऐड पर क्लिक किया। अब ये देखिए एक एक करके ये जितने एक्सिस हैं इन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट उन्हीं कंस्ट्रेन के साथ रिपीट होता जाएगा। और ओके पर क्लिक किया, दोस्तों देखिए कितने आसानी से इसके अंदर असेंबली हो गई। यहाँ से मैंने सारे डिस्प्ले ऑफ कर दिया। तो दोस्तों ये था डबल बेयरिंग असेंबली इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।